उंडाओं का पर्व में से हिंद पर्व एक मुख्य पर्व है और इसकी शुरुआत मदरा मुंडा राजा के शासनकाल में शुरू होती है। मदरा मुंडा के दो बेटे जिसमें मणि मुकुट राय और उसका बलपोस बेटा फनी मुकुट राय, उन्होंने घुड़सवार प्रतियोगिता करके राजा के गद्दी में बैठाने की बात कही। घुड़सवार में फनी मुकुट राय जो छल कपट से राजगद्दी में बैठने की बात सोच रहा था, वो आखिर घुड़सवार में विजयी हासिल किया। जब जनता आपस में बिल बैठकर सोचने लगी कि यह फनी मुकुट तो बलपोस लड़का है, इसे हम कैसे पिता की राजगद्दी पर बैठाएं, इसलिए पुनः विचार विमर्श करके फनी मुकुट राय को ही राजा बनाने की अंतिम फैसला हुई। उसके बाद मुंडारी में मणि मुकुट राय कहा कि इंगी राजा तनी, उसी शब्द से इंद परब के शब्द की उत्पत्ति हुई। सवेरे 3 बजे से लोग इधर उधर से जमा होते हैं, अपना नाच पार्टी लेके और जगह जगह अखाड़ा बना के नाचते हैं। उसके बाद पद्धारी लोग धोती पगड़ी पहन के वो लोग राटा नाच नाचते हैं। यह ईद पूरा झारखंड में सबसे बड़ा ईद है। पहले बहुत भीड़ होती थी, लेकिन आजकल का समस्या के चलते अभी उतना भीड़ नहीं आती है और नाचने वाला उतना नहीं आते हैं, बजाने वाले भी नहीं रहते हैं, क्योंकि बाजा का दाम भी बहुत बढ़ गया, इसलिए उस तरह का पहले जैसे अभी उतना भीड़ नहीं होती है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आप देखें और जानें हमारे मुंडा समुदाय लोगों का ईद। ये ऐतिहासिक त्यौहार है, ये त्यौहार आस्ते आस्ते ख़त्म होते जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे समुदाय लोगों की मदद करें और इस ईद त्यौहार को बचाए रखने में साथ दें। मैं वारले सुरेन, झारखंड सिमडेगा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।